तो हेलो फ्रेंड्स, आ गया मैं एक और नई वीडियो के साथ। तो सबसे पहले आप इस टाइम पे मेरा करंट रैंकिंग देखो यार, 118 नंबर पे आ चुका हूँ भाई। जबकि पिछले 3 दिनों में लगभग मैं 30 घंटे ही खेला हूँ। मैं नहीं खेला हूँ, मैं तो बस मैक्सिमम मतलब मुश्किल से 10 घंटे ही खेला हूँ पिछले 3 दिनों से, और बाकी 20 घंटे मेरा दोस्त खेला है, आप लोग ऐसा मान सकते हो। और उसके बाद भी मैं 118 नंबर पे आ चुका हूँ। मेरे को लगा था भाई कि 200 से भी नीचे आ जाऊँगा, ऐसा मेरे को लग रहा था 3 दिनों मीन। लेकिन भाई बहुत ज़्यादा लोगों का रीजन वालों का आईडी ब्लैक लिस्ट हो गया, नहीं ब्रांच हो गया है भाई, ब्लैक लिस्ट भी हो रहा है, लेकिन सभी का आईडी बहुत ज़्यादा लोगों का ब्रांच हो गया है, जिसके चलते रीजन की स्कोर काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। इसके कारण मैं 118 नंबर पर आ चुका हूँ। और अगर आपने 2-3 दिन पहले मेरे वीडियो देखे होंगे ना, तो उसमें मैंने बताया था कि अभी लगभग 2000 स्कोर मैं पीछे चल रहा हूँ रीजन से, जो कि 20 तारीख तक तो मैं अचीव कर लूँगा मतलब रीजन, ऐसा मेरे को लग रहा था। लेकिन ये तो और जल्दी हो जाएगा भाई, अभी मतलब लगभग 1000 ही स्कोर पीछे हूँ यार, जबकि मेरे को 3 से 4000 स्कोर पीछे हो जाना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि पिछले 3 दिनों से मैं गेम ही नहीं खेला हूँ, तो उसका दिक्कत है। बाकी चलो ठीक है, जो भी है। अब लोगों का आईडी ब्रांच क्यों हुआ वो तो मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं है, हो सकता है ग्लिच यूज़ या फिर नॉर्मल प्लेयर का भी हो रहा है यार ब्रांच, वैसा बात नहीं है कि ग्लिच यूज़र का ही हो रहा है, लेकिन मेरे को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि क्यों ब्रांच हो रहा है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस वाले गेम को एक बार देखो, इसमें मेरा पिंग जो है ट्रिपल लाइन चला गया था। टाइमिंग आप लोग देख सकते हो, शाम के 6:38 में 14 तारीख को, मतलब कि कल ये मैं गेम खेल रहा था भाई। थोड़ा बहुत नेटवर्क मेरे में आया तो मैंने गेम स्टार्ट किया, 1-2 गेम खेला, उसके बाद ऐसा सीन हो गया। और जैसे ही देखो फ्लाइट मोड मैंने किया एक बार ताकि सही हो जाएगा ऐसा करके, लेकिन उसके बाद पूरा नेटवर्क ही गायब होगा, एक भी पॉइंट नहीं दिखा रहा है, एक डंडी भी नहीं आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम भाई पिछले 3 दिनों से, आज 4th दिन हो जाएगा, अगर आज भी ना नहीं चला तो आज 4th दिन हो जाएगा। पिछले 3 दिनों से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, कब सही होगा मेरे को नहीं पता यार। और इसी के कारण बस मैं गेम नहीं खेल पा रहा हूँ। और मैं जो है VI का सिम यूज़ करता हूँ, मेरे पूरे गांव में VI यूज़र का मतलब नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। अभी मेरा ही अगर प्रॉब्लम होता तो ये सब मेरा फ़ोन का हो सकता था या फिर कुछ भी हो सकता था, लेकिन पूरे गाँव में नेटवर्क नहीं है भाई VI का। और जियो का तो हमारे गाँव में सिर्फ और सिर्फ 2 का ही नेटवर्क दिखाता है, एक तो जियो का और दूसरा VI। तो जियो का तो नेट ही नहीं चलता, पहले मैं जियो यूज़ करता था, देन अभी 3-4 मंथ पहले पोर्ट कराया VI में, तो इसमें भी अभी थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है। बाकी जियो में नेटवर्क तो आता है, लेकिन उसमें नेट ही नहीं चलता, मतलब पिंग तो हमेशा 999 ही चलता है। तो चलो छोड़ो, अभी कब तक सही होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं खुद अभी ये घर में वीडियो रिकॉर्ड किया हूँ, मतलब कल गलती से मैंने बोल डाला था कि दोस्त के यहाँ जाके मैंने वीडियो बनाया है करके, लेकिन दोस्त के यहाँ जाके मैं गेम खेला था, वापस से मैं अपने घर आके वीडियो रिकॉर्ड करके वॉइस ओवर करके वापस से उधर जाके मैंने वीडियो को मतलब अपलोड किया था। और अभी मैं घर में ही ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ, देन यहाँ से बाहर जाके मैं मतलब वीडियो को अपलोड करने वाला हूँ। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है भाई अभी के टाइम में, मैं बता नहीं सकता आपको। तो चलो छोड़ो, उन सब बातों को रहने देते हैं, अभी फिलहाल गेम पे फोकस करते हैं। अभी मैं ब्लू जोन में आया था, जस्ट एक बंदा अभी उड़ के आया जो कि सामने दिख रहा है, और ये 2 बंदे आए थे भाई, एक ने तो एक को फिनिश भी कर दिया है। इस वाले बंदे को मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया भाई यार, अगर इस टाइम पे उस बंदे को हेड नहीं लगता ना भाई, तो इस टाइम पे मेरा क्या हाल होता यार। 10 HP का मैं बचा था भाई इस टाइम पे, वो तो तुक्के में गलती से उस वाले बंदे को हेड लग गया, तो यहाँ पर मैं बच गया, 3 का वेस्ट था भाई। फिर भी इतना ज़्यादा उस बंदे ने मेरे को कैसे डैमेज कर दिया यार, पता ही नहीं चला भाई अभी। ओके, वो बंदा फिर से उतर रहा है, इसको भी चलो, ये दूसरा बंदा था भाई, चलो ठीक है जो भी है, लेकिन जिसको मैंने पहले मारा था ये वो बंदा नहीं था, तो चलो जो भी है। अभी यहाँ से मैंने थोड़ा बहुत तो लूट वगैरह किया, और एक स्कैनर मैंने लेके यहाँ से छोड़ दिया, तभी मेरे को एक लड़की दिख गई इधर, और इसको मैंने हेड मार दिया था इस टाइम पर भाई ट्रोगन गन से। ट्रोगन गन मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि भाई ये ना 4 का वेस्ट भी रहता है तब भी इतना ज़्यादा डैमेज करती है सामने वाले बंदे को कि पता ही नहीं चलता कि वो कब मर जाएगा। आप खुद मर जाओगे भाई 4 का वेस्ट रहेगा तब भी, इतना ज़्यादा खतरनाक गन है। तो ये गन भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वैसे मैं M10 ही ज़्यादातर शॉर्ट रेंज में चलाता हूँ, बाकी अगर M10 नहीं मिलता है देन ये गन मैं चलाता हूँ। ओके, एक बंदा फायर कर रहा है भाई, अब यहाँ पे कोई बंदा फाइट तो नहीं हो रहा है, मतलब वो अकेला ही बंदा था जो शायद तक फायर कर रहा था ऐसी हवा में ही मज़े में। उसका मैं वेट कर रहा था, लेकिन बंदा कहीं पर दिखने का मेरे को नाम ही नहीं ले रहा था, और यहाँ पर आगे एक तरफ जा रहा था तभी वो बंदा मेरे को दिख गया।
नोबिता, ये तो लड़की थी क्या? नोबिता मैंने ये सब कभी देखा ही नहीं है कार्टून वगैरह, तो नोबिता लड़का को बोलता है या फिर लड़की को बोलते हैं? आप लोग जरूर से मेरे को कमेंट करके बताना। एक तो होता है नोबिता और एक होता है शिजुका, ये मेरे को पता है, लेकिन कौन लड़का करेक्टर है और कौन लड़की करेक्टर है वो मेरे को पता नहीं है। तो एक बार आप लोग मेरे को ज़रूर से कमेंट करके बताना। ऐसे ही भाई एक बार मैंने इटाची के बारे में पूछ दिया था, भाई कितने लोग कमेंट बॉक्स में पूरा इटाची का जन्म कुंडली बता दिए थे मेरे को। भाई मेरे को वो कमेंट मतलब वो कमेंट सेक्शन देख के मेरे को ऐसा फील हो रहा था, भाई मैं इतना पीछे क्यों यार, सभी लोग इस इनको जानते हैं। लेकिन मैं ये सब कार्टून वगैरह या फिर वेब सीरीज़ कभी देखता ही नहीं हूँ, बस मैं मूवी देखता हूँ कभी कभी, वो भी साउथ का ही मूवी देखता हूँ, बाकी कुछ नहीं देखता। भले ही मैं नॉर्थ साइड से हूँ लेकिन मेरे को साउथ का मूवी देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद मैं बाकी ना कुछ नहीं देखता यार, मतलब कुछ भी नहीं देखता लिटरली बता रहा हूँ ना। तो मैं टीवी देखता हूँ, पिछले मेरे ख्याल से 7-8 सालों हो गए मैं टीवी नहीं देखा हूँ कभी, और बस मोबाइल ही जो भी है मोबाइल ही है। अभी फ़िलहाल एक बंदा आ चुका है, इसको चलो मारते हैं। भाई इस टाइम पे इस बंदा, ये बंदा तो पेक हो गया है, मतलब अभी एक मिनट मैं हील कर लेता हूँ। सबसे पहले मेरा खुद का एचपी फुल कर लेता हूँ, ये बंदा अगर एचपी फुल करके निकल के मेरे को मार देगा तो। अब इस टाइम पे भाई 6 HP का बचा था, लिटरली स्टार्टिंग में मेरे से फायर ही नहीं हुआ भाई, M10 का बस ऐसे ही कर दिया, मतलब फायर करने के बाद किया तो था फायर लेकिन मेरे से फायर हुआ नहीं उस टाइम पे। उसके कारण एक गलती के कारण इस टाइम पे मैं मरने वाला था इस वाले बंदे के हाथों, लेकिन वो तो किस्मत अच्छा था कि मैं बच गया। और उधर से थोड़ा बहुत लूट वगैरह करने के बाद और उसके बाद मैं फिर जोन की तरफ आ चुका था। अब ये रात का लॉबी था, रात का लॉबी उतना ज़्यादा हार्ड नहीं आता, मतलब नॉर्मल बंदे आते हैं, तो मैं जब भी बोलता हूँ तो सच बोलता हूँ, इस टाइम पे उतना हार्ड बंदा नहीं आया था, मतलब उतना नॉर्मल बंदे आए थे मतलब, लेकिन फिर भी मेरे को मारने का दम रखते थे भाई, इतना ज़्यादा मरते स्टार्टिंग से ही बच रहा हूँ मैं लोगों के हाथों से। लेकिन ठीक है जो भी है, अच्छे मतलब ऐसे भी एकदम नूब बंदे नहीं आते जो आपको मार ना सके, आप इजीली उन बंदों को नहीं मार सकते यार, मतलब कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है या फिर फाइट लेना पड़ता है तब जाके बंदे मरते हैं। तो एकदम नूब लॉबी भी नहीं है लेकिन उतना हार्ड बंदे भी नहीं आए हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पे एक बंदा आ चुका है, अब इस वाले बंदे को देखो, ये भाई तात्सुया यूज़ करके सीधा की सीधा ऊपर चला गया एल सेप के ऊपर, देन इसके पीछे पीछे मैं भी चला गया, तो यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत तो डैमेज कर दिया था लेकिन इस बंदे ने लगा लिया वाल। अब यहाँ पे M10 रिलोड करके सीधा इस पर गया मैं, और इस बंदे का सोनिया एक्टिव था, देख सकते हो सोनिया एक्टिव था उस वाले बंदे का। भाई मैं किल चोरी कर नहीं पाया भाई, मैं गलती से नीचे कूद गया, जंप किया था, और ये बंदा इस टाइम पे फिनिश हो चुका है। और इस वाले बंदे ने इसको मारा था, हंटर नाम था भाई क्या बंदे का, हंटर आई थिंक, जो भी है चलो ठीक है। मेरे इस टाइम पे 7 kill हो चुके हैं और मेरे को छोड़कर अभी भी 5 बंदे बस और बचे, तो आई थिंक अब मेरे को जोन में जाना पड़ेगा क्योंकि जोन जो है वो पिक के साइड पे बना है। और मेरे पास ना काफ़ी ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड इस टाइम पे हुआ है, मतलब कई वीडियो तो एकदम ज़्यादा हार्ड लॉबी वाला वीडियो अगर आप गेम देखना चाहोगे तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन वो इन गेम में रिकॉर्ड है मेरा, उस वाले वीडियो मतलब गेम को मैं रिकॉर्डर से रिकॉर्ड नहीं किया था, वहाँ से मेरे को रिकॉर्ड करके आपको दिखाना पड़ेगा, अगर बोलोगे तो दिखाऊंगा मैं। चलो ठीक है, अभी फिलहाल 6 बंदे के 6 बंदे ही अलाइव है, एक भी बंदा नहीं मरा, यहाँ पे एक बंदा मेरे को दिखा, तो इसको इस टाइम पे मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया था बंदे पे लॉन्चर मारा, लेकिन यहाँ पे 2 बंदे का आपस में फाइट हो जाता है, और आई थिंक अभी मेरा किल चोरी होने वाला है या फिर जो भी है, लेकिन इस ये दोनों बंदों को मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया था। तो चलो अभी एक बंदे पे रस करने के लिए जाते हैं। भाई अभी 6 बंदे अलाइव थे यार, 3 बंदे मर चुके हैं, मतलब 3 बंदे ही अलाइव है इस टाइम पे। और इधर के साइड पे देखा तो एक भी बंदा नहीं था, लेकिन जैसे ही इधर आया एक बंदा मेरे पे फायर कर दिया, और इसको फाइनली मैंने M10 से इस टाइम पे फिनिश कर दिया था। और अभी देखोगे ना तो बस एक लास्ट का बंदा बस और बचा है, और अभी के टाइम पे उस वाले बंदे का लोकेशन मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं है, मेरे को कोई आइडिया नहीं कि वो बंदा आखिर है तो है कहाँ। सबसे पहले इससे मतलब कुछ कुछ चीज़ें उठा लेते, वैसे मेरे पास इस टाइम पे नेड देखोगे तो भाई 21 grenade है भाई, इतना ज़्यादा नेड कहाँ से आ गया यार मेरे पास। तो चलो ठीक है, मैंने स्कैनर लगा दिया था, ये देख सकते हो, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा, शायद दिख रहा है कि नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन आई थिंक दिखना चाहिए भाई, लेकिन थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी उसका कम किया है मैंने नेड वाले सेक्शन का, सभी का है यार। और इस टाइम पे आप लोग मेरे पास एक बार नेड देखो भाई, 25 नेड है यार, मतलब
पता नहीं यार, मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा किसी ने इकट्ठा किया होगा नहीं, मतलब कर भी सकते हैं, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं, चलो छोड़ो इन सब बातों को। लेकिन भाई मेरा तो ये मैक्सिमम, इससे पहले मैं इतना ज़्यादा ग्रेनेड एक गेम में कभी भी नहीं उठाया हूँ, ना तो मेरे को मिला है। और इस टाइम पे आप लोग मेरे को ज़रूर से कमेंट करके बताना कि आपके पास कितना ज़्यादा नेड इकट्ठा हुआ है एक गेम में। मेरा तो एकदम ज़्यादा हाइएस्ट हो भाई 25, इतना मैंने कभी भी इकट्ठा नहीं किया था। और इकट्ठा क्या यार, मैंने खोजा भी नहीं था, बस ऐसे ही उठाते गए और मिल गया 25 जो है वो। और मैं मतलब चाहता था ये लास्ट वाले बंदे को नेड से ही मारूं, इसलिए भाई ये, लेकिन यार मेरे पे रस करे जा रहा था यार, और मैं इधर नेड कर करके इसको परेशान कर रहा था। बंदा ना सच में बोल रहा होगा भाई यार, मेरे को 8 लोग नहीं 4 लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये लोग भी सोच रहे होंगे कहीं बंदा हैकर तो नहीं है, इतना ज़्यादा नेड कहाँ से आया इसके पास, मतलब अनलिमिटेड जैसा फेंक रहा हूँ नेड को यार, मेरे पास ख़त्म ही नहीं हो रहा है, देख सकते हो। तो भाई 25 बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इस बंदे को अभी भी मैं जो है वो मार नहीं पाया हूँ नेड से। लेकिन मैं ऐसे ही फेंक रहा हूँ उसको, बस डरा रहा हूँ मैं, मतलब उसको बस चौंकाना चाहता हूँ कि मेरे पास इतना ज़्यादा नेड है, मैं हैकर हूँ ऐसा करके। अगर मैं कुक करके मारता तो 1-2 नेड से ही ये बंदा फिनिश हो जाता, लेकिन मैं ऐसा चाहता नहीं था, इसको बस मैं डराना चाहता था। अब यहाँ पे मेरे पास नेड खत्म हो गया, चलो इसको भी मारते हैं। अब इस टाइम पे भाई एक बार M10 का फायर हुआ, उसके बाद फायर होना बंद हो गया। ये प्रॉब्लम तो कभी कभी मेरे को आ जाता है, अभी न्यू फोन है, थोड़ा बहुत कभी कभी दिक्कत देता है अभी ना, लेकिन अभी के टाइम पे बाकी मेरा हाथ जो है वो एकदम परफेक्ट सेट हो तो गया, ऐसा मेरे को लग रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा वाला दिक्कत आ जाता है फायर वाला, लेकिन चलो ठीक है, इसमें मेरे को 29 का प्लस मिला था। तो फिर यही था आज का वीडियो, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको दिल से धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।